हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी यानी कि एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। ये एमपीईएसबी का अप्लाई पोर्टल है, इसी पोर्टल के माध्यम से हम फॉर्म फिल करेंगे। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखें, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 18 मई 2023 से 1 जून 2023 तक कर सकते हैं। यदि आप इसके रूल बुक को रीड करना चाहते हैं तो पीडीएफ पे क्लिक करके रूल बुक को रीड कर सकते हैं। इस रूल बुक का वीडियो हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, अप्लाई करने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करें। अब आपकी मोबाइल स्क्रीन सेम कंप्यूटर स्क्रीन के जैसे ही शो होगी, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। अप्लाई करने के लिए अब आप इसके सामने आवेदन करें आइकॉन पे क्लिक करें। इस चेकबॉक्स को टिक करें, यानी आपने रूल बुक को रीड कर लिया है। यदि आप कियोस्क के माध्यम से फॉर्म फिल करवाते हैं तो आपको 60 रुपए का चार्ज देना होगा, और यदि आप स्वयं से फॉर्म फिल करते हैं यानी सिटीजन यूजर के माध्यम से तो आपको 20 रुपए का चार्ज देना होगा। सिटीजन आईडी कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब आप आगे बढ़ाई में क्लिक करें। अब आपको सबसे पहले सिटीजन लॉगिन करना है। सिटीजन आईडी लॉगिन करने के लिए इस लॉगिन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको नागरिक सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूजर आईडी इंटर करना है और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी सिटीजन आईडी लॉगिन हो जाएगी। यदि आपके पास सिटीजन आईडी नहीं है या फिर लॉगिन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप यहां से डायरेक्ट बिना सिटीजन आईडी के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, किंतु आपको पोर्टल चार्ज 60 रुपए देना होगा। अब यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक यानी कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, यानी कि यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और सत्यापित कर आगे बढ़ाई में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यदि इस तरीके से शो हो रहा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्हता पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, कृपया अपनी पात्रता की जाँच करें। यानी कि वर्ग 1 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 या 2023 में किसी एक में भी पास आउट है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप यहां भी देख सकते हैं, जिन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की है। यदि आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हैं और इस तरीके से शो हो रहा है, प्रिय आवेदक फॉर्म भरने से पूर्व पुनः अपनी प्रोफाइल को ईकेवाईसी के माध्यम से अपडेट करें और इसके उपरांत ही फॉर्म भरें। प्रोफाइल को ईकेवाईसी के माध्यम से अपडेट करने हेतु आप प्रोफाइल एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक पर जा करके ईकेवाईसी जानकारी अपडेट करने के पश्चात आवेदन करें। यानी कि आपको ईकेवाईसी के माध्यम से अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, इसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। ओके पे क्लिक करें। यह ऑप्शन तभी शो होगा जब आप उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 या फिर 2023 में पास आउट हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे एडिट करना है, इसके लिए हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप इस लिंक पर क्लिक करके भी एडिट के लिए जा सकते हैं। प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद पुनः सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करें। इसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़ाने में क्लिक करें। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल है तो आपको पुनः से प्रोफाइल को अपडेट करना है। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप आगे बढ़ाई में क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 34 से फिल करना है, यानी भूतपूर्व सैनिक है या दिव्यांग है या बिना वर्ग है आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप किसी भी क्लास में नहीं आते हैं तो बिना वर्ग सिलेक्ट करें। यदि आप भूतपूर्व सैनिक सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सेवा की अवधि माह में इंटर करना है। क्या आप शासकीय या निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक है तो यहाँ पर आप हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, यहाँ पर आप हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करना है। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं
यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। क्या आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं? यहाँ पर आपको हाँ या नहीं सिलेक्ट करना है। ये तभी ऑप्शन इनेबल होगा जब आप मैरिट सिलेक्ट करते हैं। क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विभाग के अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं? यहाँ पर आप हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। ये भी ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब आप मैरिड हैं। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर आप हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। क्या आप अति शिक्षक हैं और आपने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अति शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है? यहाँ पर आपको हाँ सिलेक्ट करना। यदि नहीं किया है तो आपको नहीं सिलेक्ट करना है। यदि आप इन कैटेगरी में आते हैं और आप अधिकतम आयु सीमा में लाभ लेना चाहते हैं और साथ ही 5% बोनस अंक का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ सिलेक्ट करना है। यदि आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप नहीं सिलेक्ट करें। यहाँ पर विषय का सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पात्रता परीक्षा वर्ष है, यहाँ पर रोल नंबर है और यहाँ पर विषय का विवरण है। यहाँ पर विषय कोड है और यहाँ पर विषय का सिलेक्ट करना है। यदि आपने एक से अधिक सब्जेक्ट पे एग्जाम दिया है तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट शो होंगे जिसमें आप पास आउट हैं, उन सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि आप दोनों ही वर्ष की पात्रता परीक्षा में सेम विषय से पास आउट है तो आपको किसी एक को ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी च्वाइस के अनुसार विभाग की प्राथमिकता क्रम का चयन करना है। यदि आप ट्राइबल को पहले चाहते हैं तो आप वाई को पहले सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ही एक्स को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप डीपीआई को पहले चाहते हैं तो आप डीपीआई यानी एक्स को पहले सिलेक्ट करें और वाई को बाद में। यहाँ पर आपका प्राथमिकता क्रम शो होगा। इसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप नोट देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट को अनारक्षित या बिना वर्ग या ओपन श्रेणी में प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। क्या आप नियम पुस्तिका के अध्याय 1 नियम क्रमांक 4 पृष्ठ क्रमांक 3 के अनुसार दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं? यहाँ पर आपको हाँ सिलेक्ट करना है। इसलिए आपको फॉर्म फिल करने से पहले रूल बुक को जरूर रीड कर लेना है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि आपने अभी तक रोजगार पंजीयन नहीं किया है तो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उस वीडियो को देख करके रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। यदि आपको रोजगार पंजीयन क्रमांक भूल गया है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है या नहीं, यहाँ पर आपको हाँ या नहीं सिलेक्ट करना है। यदि आप नहीं सिलेक्ट करते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें, आपको हाँ ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक इंटर करना है और यहाँ पर आपको पंजीयन की डेट सिलेक्ट करना है कि आपने रोजगार पंजीयन किस डेट को किया है। इसके बाद यहाँ पर रोजगार पंजीयन जिले का नाम सिलेक्ट करना है, यानी कि आप किस जिले से रोजगार पंजीयन किया है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट करना है, फर्स्ट एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। इसी तरीके से आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एग्जाम सिटी सिलेक्ट करना है। एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद इस चेक बॉक्स को टिक करें। अब आपको फिल की हुई सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट फिल है तो आप आगे बढ़ाई में क्लिक करें। इस तरीके से आपका फिल किया हुआ फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है जिसे आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो होगी, इसे आपको पे करना है। एप्लीकेशन फीस पे करने से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। इसके लिए प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। अब आपको एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI, वॉलेट किसी भी एक माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद पेटीएम सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर रेफरेंस नंबर और यहाँ पर अमाउंट शो होगा। सबमिट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको प्रीपेड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आप कार्ड नंबर इंटर करें और यहाँ पर एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर इंटर करें। इसके बाद CVV नंबर इंटर करें। CVV नंबर 3 डिजिट का होता है और जनरली कार्ड के बैक साइड पे होता है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद पे में क्लिक करें। पे में क्लिक करने के बाद अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा। उस OTP को वेरीफाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फीस सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। यदि आप कोई स्टेप बाद में कम्प्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आवेदन को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप भुगतान ना किए गए आवेदन का भुगतान या आवेदन की स्थिति की जांच करें में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आवेदन क्रमांक इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करना है।
इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और आगे पढ़ाई में क्लिक करें। यदि आप एप्लीकेशन की फीस पेमेंट कर चुके हैं किंतु पेमेंट फाइनल सबमिट नहीं हुई है तो आपको पुनः से प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर आपके खाते से राशि कट जाए तथा रसीद प्राप्त नहीं हो तो कृपया भुगतान पुनः सत्यापन के लिंक पर जा करके रेफरेंस नंबर का उपयोग कर पेमेंट का स्टेटस जांच लें। यदि आवेदन की रसीद अभी भी प्राप्त न हो तो यह ट्रांजेक्शन फेल माना जाएगा और वह राशि आपको वापस कर दी जाएगी, अतः आवेदन का पुनः भुगतान करें। स्टेटस चेक करने के लिए पुनः भुगतान सत्यापन की लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर एमपी ऑनलाइन रेफरेंस नंबर इंटर करना है, यानी कि ट्रांजेक्शन नंबर इंटर करना है। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। इसके बाद आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। यदि आपका स्टेटस फेल शो हो रहा है तो आपको पेमेंट पुनः कर देना है। यदि आप वेट कर सकते हैं तो 24 आवर का वेट करें, इसके बाद ही पेमेंट करें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।